नमस्कार। आज हम एक ऐतिहासिक क्षेत्र मेवात में आए हुए हैं, शाहपुर नगली। और ये शाहपुर नगली किस वजह से प्रसिद्ध है और किस वजह से लोग जो है इसको बदनाम करते हैं, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम हाजिर हैं भाई शहीद खान के यहाँ। भाई शहीद खान के बारे में हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। उससे पहले हम आइए शहीद भाई से बात करते हैं कि ये जो शहीदों का जो क्षेत्र है शाहपुर नगली, उसके बारे में जाने। उससे पहले हम भाई शहीद के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन जो चक्र है वो यहाँ तक किन किन संघर्षों से गुजरा है और उनके जीवन संघर्ष से इस देश के युवा पीढ़ी, इस देश की जनता क्या सीख लेगी और कैसे एक आदमी शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। तो आइए हम बात करते हैं भाई शहीद से। जी भाई शहीद जी सर, आप सबसे पहले ये बताइए सर कि आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय क्या है। मेरा जीवन परिचय है साहब, जब मेरी उम्र लगभग 10 साल थी तो मैंने मार्केटिंग का जो सामाजिक काम होते हैं उन पर 10 साल की उम्र में ही ध्यान देना शुरू किया। और मैं सबसे ज्यादा उसी को मानता हूं आज भी जो धार्मिक जगह या धार्मिक काम जो उन पर ध्यान देता हूं। तो मैं तो 10 साल की उम्र में लग गया था धार्मिक जगह पर ध्यान देने में, चाहे मुस्लिम समाज का काम हो, चाहे हिंदू समाज का काम हो, हर समाज का काम पे मैं ध्यान देता हूँ और मैंने आज तक किया भी है। जैसे मुस्लिम समाज का काम है, मस्जिद से लेके कब्रिस्तान तक मैंने 2-3 मस्जिदें यहाँ बनाई हैं। मेरे गांव का कब्रिस्तान की 4 दीवारी मैंने करी थी और पशुओं के लिए तालाब, औरतन के लिए कुआ, कपड़ा धोने के लिए, पानी भरने के लिए, वो भी मैंने बनाया है। जहाँ हिंदू समाज की बात है उसमें भी मेरा योगदान बहुत रहा है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो और चाहे रामलीला हो। रामलीला में भी लगभग मैं पूरा योगदान देता हूँ। तो शहीद भाई, समाज के प्रति ऐसी प्यारी सी भावना जी, ये आपके जहन में जो है कहाँ से आई और किससे प्रेरणा लिया आपने? असल में मेरे जैसे बुजुर्गों के साथ में बैठना, मैं पहले से ही बुजुर्गों के साथ में बैठता था तो ये दिमाग में फीड हो गया कि भाई जो धार्मिक कामन पे ध्यान देगा वो आदमी बड़ा बनेगा और जीवन में दौलत भी उसको मिलेगी, इज्जत मान सम्मान भी उसको मिलेगा। तो वहाँ से मेरे ये आया था दिमाग में भाई ये धार्मिक कामन पर ध्यान। तो शहीद भाई, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं तो मेवात के बारे में मेरी धारणा बहुत गलत थी जी, क्योंकि चारों तरफ से जो मेवात के बारे में जो गलत प्रचार, दुष्प्रचार जो किया जा रहा था चारों तरफ से, तो आप उस दुष्प्रचार को कैसे काटेंगे कि क्या है वास्तविकता मेवात की? देखो जी, यू मेवात की तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, अगर इसको आदमी गिनने बैठे और इसको समझने बैठे जी तो महीने भर लग जाए भाई जी। ये मेवात कई सौ बरस पहले से इस देश के लिए कट रहा है, मर रहा है और इस देश में यह मेवात की कोई नहीं सुनता। जब इस देश में मुगल खानदान का राज चल रहा था, जब मुगल खानदान ने, वो भी हमारे अब ईसाई थे, इससे अफगानिस्तान से, वो भी इंडिया के थोड़ी थे, इंडिया के नहीं थे, उन्होंने भी यह देश की जनता के साथ अन्याय चालू किया, तब मेवात आगे बढ़ा और मुगल खानदान से जंग लड़ा था, दिल्ली को फतेह किया था। जैसे पहले राजा महाराजा का जंग चलता था, दिल्ली को फतेह किया, दिल्ली को तोड़ा, राजा को जंग में हराया, उसका एक गेट को उतार के ले आए लाल किला को, जो आज तक सबूत है, सबूत के तौर पर, वो सबूत के तौर पर भरतपुर में रखा है जी। उसके बाद में अंग्रेजन का राजा गया, फिर अंग्रेजन से जंग लड़ा, तो उस टाइम जब मुगल खानदान से जंग लड़ा था, जब मेवात की रहाइश थी वहां जहाँ संसद भवन जी, तो दिल्ली के बिल्कुल बाजू में जी,
और दिल्ली के चारों तरफ गेट बना हुए थे, दीवार हुई थी जी, जी, जी। वो स्पेशल मेवात के लिए बाउंड्री वॉल हुई थी दिल्ली की और गेट लगे हुए थे, उसको आज भी है, मौका पे है जी। तो जब अंग्रेजन का राज आ गया, फिर अंग्रेजन से जंग लड़ी, तो 17 गांव थे मेवात के, वहाँ 17 के 17 गांव बेदखल हुए, वहाँ से भगना पड़ा, हजारों के तादाद में लोग शहीद हुए जिनका नाम आज भी इंडिया गेट पे गुदा हुआ है जी। उसमें सारे ही समाज थे, हिंदू समाज भी थे, मुस्लिम समाज भी। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपसे मैं निवेदन करूँगा कि दूर करें, इंडिया गेट के बारे में लोगों की जो धारणा है, जहाँ तक जो चर्चा का विषय है, कि कहा जाता है कि 1947 में आज़ादी के जो शहीद थे उनका नाम उसमें गुदा हुआ है, तो इसको कैसे आप अलग करेंगे इसको? इंडिया गेट पे पत्थर कब लगा, इंडिया गेट बना कब, ये बताइए आप जी। इंडिया गेट उस टाइम बना था जब अंग्रेजन का शासन किया, शासन था जी, जब शासन चालू हुआ था, तो इंडिया गेट और हमारा संसद भवन उस टाइम बना था जी। उसी टाइम ये जंग जीत के अंग्रेजन ने हमारे इंडियन आदमी से, तब ये इंडिया गेट बनाया था, और उस टाइम के ही वो आदमी है। ये तो एक बहकाने वाली बात है, जो 47 में शहीद हुए उनका नाम है, 47 में तो उसमें जो शहीदों के जो नाम लिखे हुए वो कौन से फिर शहीद है? वो है जो उस टाइम शहीद हुए थे अंग्रेजन से जंग लड़ते लड़ते, जब वो 17 गांव एक बार, और वो 17 गांव को मुआवजा आज तक नहीं मिला है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। उसमें इंडिया गवर्नमेंट को सबको पता है कि भाई इस जमीन का मुआवजा आज तक हमने नहीं दिया, ना अंग्रेजन ने दिया ना आज तक इन्होंने दिया। आज़ादी से आज तक मेवात के उद्धार के लिए या मेवात के विकास के लिए, मेवात के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप क्या समझते हैं कि किसी नेता ने कोई काम किया है? यदि किया है तो कितना किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, इस विषय पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। आज तक मेवात का विकास के लिए लोकल जनता ने अपना पेट भराया जी, खेती बाड़ी करते हैं, बाकी इंडिया गवर्नमेंट का कोई योगदान मेवात के लिए नहीं है आज तक। मेवात में लगभग 30 लाख के आसपास में, जैसा कि आपसे चर्चा, 30 लाख की आबादी है मेवात की जी, जिसमें दोनों समाज आता है जी, ज़्यादा तादाद में मुस्लिम है, कम तादाद में हिंदू समाज है। 30 लाख आदमी बेरोजगार है, बिल्कुल एकदम नहीं चल रहा, और 30 लाख में से मेरे हिसाब से तो अब तक 20-22 लाख आदमी तो ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन आखन सुई ना देखी कैसी होती है। तो 30 लाख आदमी जहां बेरोजगार है, वहां मुश्किल तो थोड़ी रहेगी लोगों से। यदि आप जिस तरीके से समाज में जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, निष्काम भाव से आप सेवा जो कर रहे हैं, यदि राजनीतिक लोग जो है आपको, क्योंकि हमें देख रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में आपको चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है, यदि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आने का मौका मिला और आपको कोई प्रभावशाली पद मिलता है या कोई मंत्री पद मिलता है आपको, तो मेवात का आप किस प्रकार से भला करेंगे? देखो जी, मैं जब 10 साल की उम्र में विकास में लग गया, और तो आप मानो जब मेरे को कोई पद मिलता है या कोई पावर मिलता है, तो मेरा तो एक ही काम रहेगा, विकास। और अगर कोई मांगने वाला हो तो मेरे हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट पे कोई दौलत की कमी थोड़ी है, विकास हो जाएगा पक्का अगर कोई मांगने जाएगा तो। और मेरे को अगर मौका मिला तो मैं तो विकास के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करूँगा, मेरा पहला काम है विकास करना। तो आपने आज एक साक्षात्कार जो है हमने किया है भाई शहीद जी का, और बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे चैनल से बात की, हमारे अखबार से बात की, और हम चाहेंगे कि शहीद भाई मेवात के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहें, क्योंकि मेवात की जनता इनको बड़ी भारी उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि आज़ादी से आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक संगठन ने, किसी ने भी मेवात का भला कभी नहीं चाहा। यदि मेवात का भला किसी ने भी, थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति किसी की होती, तो आज मेवात की तस्वीर कुछ और होती। आज मेवात के लोग ट्रेन को देख करके एक अचंभा जो है मानते हैं, जिन्होंने ट्रेन ही नहीं देखी है,
तो आप उस मेवात की क्या कल्पना कर सकते हैं। तो शहीद भाई के मन में बचपन से एक जुनून भरा हुआ है समाज सेवा का, और ये समाज सेवा का जुनून जो है हर एक नेता में नहीं होता, क्योंकि जो भी नेता आज तक हमारे देश में नेता बने हैं और बड़े सरकारी गद्दियों तक पहुंचे हैं, उन लोगों ने गद्दी मिलने के बाद उनकी जो इच्छा शक्ति जो बचपन में होती है, जो पहले होती है, वो तुरंत बदल जाती है, जिससे हमारे देश की जनता का विश्वास आज राजनेताओं से उठता चला जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि शहीद भाई को जिस उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है, वो अपनी उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और राजनीति की जो बदली हुई परिभाषा है उसमें सुधार करेंगे, और राजनीति में ऐसे ही लोगों की आज आवश्यकता है। तो हम निवेदन करेंगे कि वे राजनीति में अपने सफल जीवन के मुकाम को हासिल करें। इसी के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए चतुर्दिशा टाइम्स, और दैनिक अखबार जो है आपका दैनिक होने जा रहा है, इसको आप पढ़ते रहिएगा, और हमारा सहयोग और जनता का सहयोग हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं जनता से कि भाई शहीद के साथ में तन मन धन से आप इनका सहयोग करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।